disco. हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल इट्स देसी ब्लॉग। और आज मैंने एक डोमिनार का रिव्यू वीडियो डाला है, जो कि ब्लॉग मैंने बनाया, बहुत मेहनत लगा। और एक दोस्त का गाड़ी है, उसने नया ख़रीदा, मैं सोचा कि आपको एक डोमिनार 400 का रिव्यू दे दूँ। और बड़ा अच्छा ब्लॉग बनाया है मैंने, थोड़े दूर का ब्लॉग बनाया जिसमें कि आप गाड़ी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। और वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी को मैंने कितना स्पीड ले गया है टोटल, और इस गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अभी आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी का रोड पासिंग लाइक कितना अच्छा है, और गाड़ी का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है रोड पे। और इसका इंस्टॉलेट एग्जॉस्ट भी बहुत अलग टाइप का है, और गाड़ी में पिकअप भी बहुत अच्छा है, जो कि मैंने चलाया है तो देखा है गाड़ी का पिकअप स्पीड बहुत अच्छा है। और ये मैं कंकड़बाग में हूँ। आप ये ज़रूर बोलेंगे कि हमेशा मैं कंकड़बाग में ही रहता हूँ, पर किसी दिन लंबा ब्लॉग बनाऊँगा तो आपको कहीं और ले जाऊँगा, जल्दी ही ले जाऊँगा आपको। पटना से बाहर भी हो सकता है मैं ले जाऊँ ब्लॉग बनाने। अभी कुछ दिन के लिए इसी सब वीडियो से काम चलाइए आप लोग, और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा हमेशा। और मैं हनुमान नगर की तरफ जा रहा हूँ, कंकड़बाग हनुमान नगर है पटना में, वहीं जा रहा हूँ। और क्राउड में इस डोमिनार 400 का रिव्यू देखना चाहता हूँ। एक गाड़ी का रोड का नीचे का क्लियरेंस बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। मैंने कल इसको चलाया, मैंने इससे पहले भी एक दो बार चलाया है, लेकिन मैंने कल आप लोग के लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें कि आपको मैं सब दिखा रहा हूँ। ये गाड़ी का पासिंग रिस्पॉन्स अच्छा है, हेड टर्नर गाड़ी है, इसका एग्जॉस्ट भी बहुत अच्छा लगता है मुझे साउंड इसका। और नया एडिशन गाड़ी है, VS6 मॉडल है ये भी। गाड़ी के बारे में कुछ वीडियो मैं और बनाऊंगा इस गाड़ी के बारे में, गाड़ी के मूड्स के बारे में, गाड़ी का क्लियरेंस। अभी मैंने नॉर्मल ब्लॉग बनाया है, और ये पटना का क्राउड है, और ये हनुमान नगर है। हनुमान नगर में थोड़ा क्राउड रहता है, और लोग यहाँ ऐसे ही रहते हैं, बीच रोड पे गाड़ी निकालते हैं बीच रोड पे। ये भैया बीच रोड पे चल रहे हैं, थोड़ा साइड हो जाते तो क्राउड हटता, ट्रैफिक हटता। और ये बगल से भैया का रिस्पॉन्स था, गाड़ी को बहुत अच्छे से देख रहे थे। और ये हम लेफ़्ट लेंगे, आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है, और हम इधर देखते हैं, शांत रोड मिलता है तो चलते हैं लेफ़्ट साइड। ये हमारा पटना का मोटा भाई साड़ी वाला शॉप है, बहुत फेमस शॉप है, आप सब पटना में अगर रहते होंगे तो जानते होंगे। और मैं ये आपको लेके चल रहा हूँ हनुमान नगर से विजयनगर की ओर। और यहाँ भी क्राउड कम नहीं है, कहा जाए तो अच्छा खासा यहाँ भी ट्रैफिक है, पर चलिए अब वीडियो बनाना है तो देखना तो होगा। ये दीदी रेस लगाने वाली थी पर नहीं हो पाएगा, और हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं। और हमारा चैनल ऐसे ऐसा वीडियो हमेशा आपको देते रहे। और आप सबको एक और बात बताना चाहता हूँ, मैंने अपने चैनल का नाम बदला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आप लोग देसी इंटरसेप्टर पे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए अलग अलग तरह का वीडियो बनाऊंगा, और चैनल को आप लोग से ज़्यादा जुड़ा रखने के लिए मैंने नाम बदला है इट्स देसी ब्लॉग। अगर नाम अच्छा लगेगा तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और ऐसे ही मैं कई गाड़ी पे वीडियो बना के आप लोग के लिए डालूँगा, और हमारा चैनल ऐसे ही आप लोग के रिस्पॉन्स से चलता रहे, बस यही चाहता हूँ मैं आप लोग को। अच्छा अच्छा वीडियो ऐसे ही बना के दूंगा मैं। अब मैं वीडियो को एंड की ओर ले जाना वाला हूँ, अब हम वीडियो ख़त्म करेंगे। हमारे चैनल इट्स देसी ब्लॉग पर बने रहिए।